बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी दर्शकों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आ रही, जहां मऊ जनपद के बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 अन्य आपराधिक गिरोह भूमाफिया अवैध अतिक्रमण निर्माण करने वालों के विरुद्ध जारी कार्यवाही अभियान के क्रम में तमसा नदी के किनारे ग्रीनलैंड पर बनाए गए दो अवैध मकान को अतिक्रमण निर्माण की अनुमानित लागत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो हम आप सभी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से बता रहे हैं, जहां मऊ जनपद के बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 अन्य आपराधिक गिरोह भूमाफिया अवैध अतिक्रमण निर्माण करने वालों के विरुद्ध जारी कार्यवाही अभियान के क्रम में तमसा नदी के किनारे ग्रीनलैंड पर बनाए गए दो अवैध मकान को अतिक्रमण निर्माण की अनुमानित लागत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, पूरा मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सहयोगी इरशाद सनाफ इश्तियाक एवं मकसूद सनाफ अब्दुल शकूर निवासी मलिक ताइफुरा का के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण हुआ है। इन लोगों ने तमसा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में मकान बना रखा था, जिसे आज गिराया गया है।